आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। सूर्यकांत बनाडे जी, आपने आरपीआई में आज ज्वाइनिंग की है, औपचारिक आपने यहां पर प्रवेश किया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आरपीआई को क्या सोच करके आपने ज्वाइनिंग किया? मैं आठवले साहब का फैन और गोर गरीब बहुजन समाज के मसीहा है आठवले साहब जी, और उसका विचारधारा जो है वो तो बहुत साल से मैं उनको पहचानता हूँ, वो पार्टी में था, लेकिन हरिहरी यादव जी के साथ में काम करने का सोचा और इसी वजह से मैं आरपीआई की पार्टी का बढ़ाने का कोशिश मैं हमारे एरिया से करूँगा। अध्यक्ष जी, आज सूर्यकांत बनाटे जी को आपने यहाँ पर जिम्मेदारी दी है, उन्होंने आज आरपीआई में औपचारिक प्रवेश किया है, उसके ऊपर आप दो शब्द। सूर्यकांत बनाटे जी दलित पेंथर से कार्यकर्ता है, आठवले साहब का पुराने कार्यकर्ता है, बीच में इनके तबीयत और घर के प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा ये लंबा हुए थे, कम काम करते थे, लेकिन आठवले साहब के साथ ही है पहले से, और ये पहले बॉम्बे कमेटी में भी काम कर चुके हैं हमारे, कम से कम तो मैं 30-32 साल से इनको जानता हूँ। उन्होंने जब आठवले साहब का ये सुवर्ण महोत्सव का इन्होंने सुना कि आठवले साहब का इतना बड़ा प्रोग्राम एक साल चल रहा है और आठवले साहब तो सामान्य लोगों का आवाज़ उठाते ही रहते हैं, तो ये बोले कि हमको आप पद दे दीजिए, हम उपाध्यक्ष करके हम काम करेंगे और संगठन बढ़ाएंगे, इसी विश्वास के मानते हुए मैंने उनको जिला उपाध्यक्ष का पद दिया हूँ, और हमारा विश्वास है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, संगठन मजबूत करेंगे, आठवले साहब का नेतृत्व तो मजबूत करेंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर का विचारों का प्रचार और प्रसार करेंगे, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेंगे, सभी समाज का लेकर के काम करेंगे, जैसा प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, तो सब प्रयास करके जब काम करेंगे, सबका प्रयास रहेगा तो संगठन मजबूत होगा, और वो प्रयास बनाटे जी करेंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। उनके कार्य की हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। डॉक्टर बाबा साहेब।